Hello students, welcome to Everything Bio. I am Sushmita, your educator. I hope you are going through all the video lectures and you are understanding whatever I am trying to teach you. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच आउट टू मी. मेरा ईमेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहता है और उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यू कैन रीच आउट टू मी एंड आस्क एनी डाउट. यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो. कभी कभी ऐसा होता है कोई पिक्चर्स रहती है तो इसीलिए आप वो मेल कर सकते हैं. मैं प्रॉम्प्टली आपको रिप्लाई दूँगी. और इसके साथ साथ आप ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे NCERT वर्ड बाय वर्ड कवर कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ आप बिना समझे नहीं रहे. और इसके साथ साथ NCERT में ही जो लिखा है उसको मैं थोड़ा कभी चार्ट के बेसिस में या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ, लेकिन मेनली इट इज़ फोकस्ड ऑन NCERT. ठीक है. और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं जो धीरे धीरे इस जो भी मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर्स जो जैसे जैसे ख़त्म हो रहे हैं मैं टेस्ट पेपर वहाँ पे देने वाली हूँ फॉर प्रैक्टिस. और लेवल रहेगा मॉडरेट से डिफ़िकल्टी या तो फिर वेरी डिफ़िकल्ट लेवल. मैं इजी लेवल का नहीं देने वाली हूँ क्योंकि वो आप ऐसे भी कर पाएंगे. तो लेवल नीट का या एम्स का लेवल का ही होगा. ठीक है, उससे टफ हो सकता है. तो यू कैन गो थ्रू, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल और वहाँ पे क्वेश्चन अपलोड करने के बाद आफ्टर यू हैव सॉल्व दैट उसके बाद हम लोग मैं यहाँ पे वीडियो डालूँगी सोल्यूशन वीडियो सो दैट यू कैन गो थ्रू द सोल्यूशन एंड यू कैन अंडरस्टैंड. और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हुआ, वैसे भी अगर कैसे भी प्रिपरेशन के टाइम में अगर आपको डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूँगी. और चलिए शुरू करते हैं लेक्चर के साथ. ठीक है, तो ये है लास्ट पार्ट इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का. तो इसके पहले 3 पार्ट वीडियो ऑलरेडी चला गया है. ठीक है, ऑलरेडी वो इस चैनल में ही है. मैं उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, सो चेक दैट आउट. और वहाँ पे भी अगर कुछ इशू हो रहा है तो यू कैन टेल मी. ठीक है, सो वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस. ठीक है, तो हम लोग ये पूरे चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में. उसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 किंगडम, 2 किंगडम, 6 किंगडम, 3 किंगडम, कैसे एक एक किंगडम में पूरे जितने भी 1.7 से 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को नोन हैं, नोन ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं. इसके पहले हम लोग पढ़े थे टैक्सोनॉमिक एड्स कि कैसे उसको क्लासिफिकेशन करना है टैक्सोनॉमिकल वे में, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में. उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या वो पॉइंट्स है जिस पॉइंट के बेसिस में हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल सकते हैं कि नहीं तुम एनिमल हो क्योंकि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है. अच्छा, तुम प्लांट हो क्योंकि तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है. अब वो प्लांट के अंदर भी इतने सारे सब कैटेगरीज है कि हाँ प्लांट के अंदर क्या होगा, तुम फंजी हो तो फंजाई के अंदर क्या क्या होगा और उनके लाइफ साइकिल्स कैसे होते हैं, उनके स्पोर्स कैसे होते हैं, मोनेरा के अंदर कैसे, मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स है लेकिन उसके अंदर भी कैसे कैसे बैक्टीरियाज मिलता है, कोई इन्फेक्शियस होता है, कोई नहीं होता है, कोई डिजीज कॉज करता है, कोई पैरासाइटिक है, कोई फ्री लिविंग है, कोई एक्वाटिक है, कोई टेरेस्ट्रियल है. ठीक है, और ऐसे ही करके हम लोग इतने सारे जो 5 किंगडम है उसको हम लोग 3 किंगडम हम लोग कवर कर चुके हैं. 2 किंगडम जो नेक्स्ट 2 चैप्टर में कवर होने वाला है, दैट इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. तो ये जो वायरस, वायरॉइड, प्रायंस एंड लाइकेंस ये जो यहाँ पे सेगमेंट डाला गया है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन, बेसिकली वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. ठीक है, तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विट टेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस. ठीक है, तो ये चारों चीज़ उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं डाला गया है और इनको निकाल दिया गया है कि तुम पता नहीं तुम क्या हो, क्यों हो, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम खुद का एक अलग ग्रुप बनाओ. ठीक है, ये जो ग्रुप हमने बनाया है बहुत ही इतना पेशेंस लेके, इतना कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करके, फिर इतना कुछ करके जो बनाया है, इसमें तो तुम्हारा जगह नहीं है. ठीक है, तो तुम अपना सोच लो. तो इन चारों को निकाल दिया गया वहाँ से. तो इनका जो ये सेगमेंट है ये अभी हम लोग कवर करने वाले हैं. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know that what effects viruses can have on us. और अभी तो फ्लू की ज़रूरत नहीं है ना, अभी तो कोरोना वायरस ने तो 3 साल तो वैसे ही गवा दिए हम लोग ऑलरेडी. तो इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, viruses do not find a place in classification since they are not considered truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell. तो यहाँ पे क्या क्या point डाला गया है कि ये truly living नहीं है, ठीक है, और हम लोग कैसे बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है. लेकिन सिर्फ सेल स्ट्रक्चर नहीं है इसीलिए इसको ट्रूली लिविंग नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ लिविंग कैटेगरी इनमें है, भले ही प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर ना हो लेकिन इसके पास कुछ कुछ लिविंग कैटेगरी होती है ना. और वैसे भी इसको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं क्योंकि ये एक कैसा है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है आउटसाइड द लिविंग सेल, और वो लिविंग सेल के अलावा वो जिंदा भी नहीं रह सकता, ठीक है. लेकिन ये इन्फेक्शियस भी है और इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी रहती है ना. तो ये सब चीज़ ऑलरेडी हम लोग देखे हैं. तो कुछ नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, एक नॉन लिविंग और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक. तो पहला जो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, पहला नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि इट डज नॉट कंटेन अ सेल स्ट्रक्चर, नो प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, कोई प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट नहीं है. दूसरा क्या है कि इसके पास इन्फेक्शियस जो कैपेबिलिटी है वो तो है, ठीक है, लेकिन ये लिविंग सेल के बाहर कैसा रहता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस के जैसे रहता है, मतलब ये क्रिस्टलाइज कर सकता है, ठीक है, एक क्रिस्टलाइजेशन इसमें हो सकती है, ठीक है, या तो फिर गेट क्रिस्टलाइज्ड, जैसे भी तरीके की तुम लिख सकते हो. इसमें जेनेटिक मटेरियल रहती है तो एक साथ साथ हम लोग लिविंग का भी लिखते जाते हैं, ठीक है. इट कैन फॉर्म इट इज फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ रहता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है. जेनेटिक मटेरियल्स जैसे कि क्या क्या है, डीएनए है, आरएनए है, कुछ भी रहता है, प्रेजेंट रहता है ना. और जेनेटिक मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो ये म्यूटेशन भी शो करेगा, राइट, ये म्यूटेशन भी शो करेगा. इसके पास इन्फेक्शन करने की कैपेबिलिटी भी है, इन्फेक्शन कॉज करने की, डिजीज कॉज करने की, तो ये इन्फेक्शियस भी होता है. और ये इन्फेक्शियस होता है और इसको हम लोग मार भी सकते हैं. तो अगर नॉन लिविंग होता तो इसको मार सकते थे क्या, नहीं ना, इसके पास जान कुछ तो है, कुछ भी तो है लिविंग, तो इसीलिए हम लोग उसको मार सकते हैं. तो इसीलिए इट इज कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेव एंड यूवी के द्वारा इसको मार सकते हैं, ठीक है. तो इसके पास एबिलिटी टू म्यूटेशन हो गया, इन्फेक्शियस भी है, इसके साथ हम लोग उसको मार भी सकते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके पास ये जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो जो भी मशीनरी है उसको यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होस्ट सेल है उस होस्ट सेल के पास जो जो भी प्रोटीन्स रहते हैं उसको यूज़ करके ये खुद का ही मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, ठीक है. तो इट कैन मल्टीप्लाई, ओके. और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉन लिविंग में क्या क्या है, ये तो हो गया हम लोगों के पास लिविंग के जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. नॉन लिविंग में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मतलब कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर है नहीं, और ये क्रिस्टलाइज भी कर सकता है, मतलब सेल के मतलब होस्ट सेल के बाहर ये क्रिस्टलाइज एक फॉर्म में रहता है. एंड यहाँ से ही एक पॉइंट और आता है कि इट कैन नॉट live without living organism, ठीक है. ये living organism के अलावा तो ये मतलब इसका कोई मायने ही नहीं रहता, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है. तो क्रिस्टल फॉर्म में अगर रहता है तो वो ऑटोमेटिकली एक नॉन लिविंग सब्सटेंस के जैसे बिहेव करता है. तो एक प्रोटोप्लास्ट नहीं है, इसके साथ क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, और इट कैन नॉट लिव विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके पास रेस्पिरेशन नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है, एनर्जी स्टोरेज करने की, मतलब देखो रेस्पिरेशन या तो फिर ग्रोथ, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज, जैसे कि हम लोग के पास एनर्जी करेंसी होती है, ये सब तो कुछ चीज़ के पास नहीं होता है ना, एनर्जी स्टोरेज, ये सब कुछ एब्सेंट होता है, ठीक है, एवरीथिंग इज एब्सेंट। और इसके साथ और एक चीज़ होता है जो कि एकदम नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जो सब्सटेंस होते हैं उनके जैसे इसके पास हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नॉन लिविंग सब्सटेंस की जैसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख लिए कि व्हाट इज़ द नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में क्या क्या चीज़ हम लोग देखते हैं। नॉन लिविंग के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है और लिविंग के जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो दोनों चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब मूव ऑन टू द पीडीएफ। तो only once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call the viruses living or non-living? तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये बहुत ही एक कन्फ्यूजन टाइप का एक मतलब क्रिएचर है, इसको तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। वायरसेस मीन, वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। Dmitri Ivanovsky 1892 में रिकॉग्नाइज किए थे सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। तो टोबैको मोजाइक वायरस को उन्होंने पहले देखे थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे बेसिकली टोबैको मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको कौन करता है, टोबैको मोजाइक वायरस ही बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक पिक्चर दिया गया है, दिस इज द टोबैको मोजाइक वायरस, जो ये ए है, दिस इज द टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है, TMV। इसके बाद इसको पहले कौन देखा था, Dmitri Ivanovsky ने देखे थे। These were found to be smaller than the bacteria because they passed through the bacteria proof filters। तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स मतलब जो कुछ फिल्टर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, तो उसके थ्रू ये पास कर गया। तो पास कर गया मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, बैक्टीरिया तो खुद छोटा और ये उससे भी छोटा होता है। MW बेजरिंग क्या किए थे, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन एज वायरस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये खुद जो डिजीज़ यहाँ पे बनाया है, जो डिजीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ से अगर हम लोग इस वायरस को लेके कोई हेल्दी प्लांट में अगर पुट कर रहे हैं तो इसको भी ये डिजीज़ कर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक डिजीज कॉज कर रहा है। सो दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये कंटेजियस है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन बिकॉज इट इज कंटेजियस। और इसीलिए इस फ्लूइड का नाम दिया गया है, इस पैथोजन का नाम दिया गया है वायरस, और इस फ्लूइड का नाम, फ्लूइड को क्या बोला गया, कंटेजियम विवियम फ्लूइडम, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W. N. Stanley 1935 में he showed that the viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein। तो इनके पास प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो ये जो हेड है, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन से बना हुआ रहता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है ये हेड। इसके बाद यहाँ पे ये एक हम लोग देख रहे हैं क्या, बैक्टीरियोफाज को, ठीक है, दिस इज द हेड, दिस इज द कॉलर, फिर यहाँ पे ये वाले पोजीशन में यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज द नेक, ठीक है, ये था हेड, इसके बाद जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, फिर आता है कॉलर, फिर है नेक, फिर हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द टेल प्रेजेंट हियर, ठीक है, दिस इज द टेल। और इसके बाद टेल के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टेल फाइबर्स प्रेजेंट है, और टेल फाइबर्स के पास दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द एंड प्लेट, एंड प्लेट प्रेजेंट हियर, एंड दिस इज द शीथ। ओके, तो ये था बैक्टीरियोफाज का, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज द, ये जो आउटर कोट है, दिस इज प्रोटीन कोट। तो इसको जब क्रिस्टलाइज किया गया, क्रिस्टलाइज करने के बाद हम लोग क्या देखें कि ये बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। They are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasite. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये होस्ट के अंदर ही, इसको होस्ट के अंदर जैसे ही आता है वो अंदर ही रह के उसका जो प्रॉब्लम कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, और होस्ट के बाहर जाके कुछ नहीं करता है. इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी ईदर आरएनए और डीएनए. नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए. अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नो वायरस कंटेन आरएनए एंड डीएनए बोथ. ठीक है, a virus is nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. ठीक है, and bacterial viruses, that is bacteriophages, viruses that infect the bacteria are usually double-stranded DNA viruses. ठीक है, तो हम लोग अगर थोड़ा सा चार्ट के स्पेसिस में अगर देखते हैं तो होस्ट स्पेसिफिक वायरसेस में हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं, प्लांट वायरसेस, ठीक है, इसके बाद आता है एनिमल वायरसेस, फिर बैक्टीरिया वायरसेस या तो फिर बैक्टीरियोफेजेस. ओके, तो यहाँ पे प्लांट वायरसेस में हम लोग देखेंगे कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, राइट? सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है. एनिमल वायरस कैसी, किसी भी तरीके की हो सकती है, मतलब इतना इनको पसंद आता है कि हाँ इनका तो डिजीज कॉज करना ही है. तो एकदम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ओके, तो इनका एक वाइल्ड वैरायटी है, एनिमल वायरसेस का एक वाइल्ड वैरायटी है, एक वाइड वैरायटी है. ठीक है, कि सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकती है. और जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. ओके, तो ये वाला फिक्स्ड है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये वाला भी फिक्स्ड है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है. ओके, अब देखो, दिस इज द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर. तो हम लोग जो हेड का ये जो देख रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सिड, और ये इसका जो छोटा छोटा सब यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्सोमियर्स, विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. These capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. So we can see that कि ये polyhedral एक geometric form में रहे, और इसके अंदर हम, मैं तो इसके अंदर तो ऐसे करके नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है ऐसा, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर ऐसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है. नाउ द वायरसेस कॉज डिजीजेस लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा. एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस. ठीक है, कौन से वायरस है, क्या है, वो तो नाम हम लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस है. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टर्न ग्रोथ. तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये बेसिकली ये जो जो नाम है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है कि रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टर्न ग्रोथ, ये सब नाम दिया रहता है, और बोला जाता है कि कौन सा कैसे टाइप के वायरस कॉज कर सकता है. सपोज अगर मैंने यहाँ पे बोला कि कौन सा वाला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉज कर सकता है और कौन सा वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉज कर सकता है, ठीक है, तो और यहाँ पे ये सब सारे ऑप्शंस दे दिए गए कि मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टर्न ग्रोथ, ये सब सारे. तो ये सारे के सारे कौन सा वाला मतलब कौन सा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे करने वाला है? ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल ही करने वाला है, राइट? सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल ही करने वाला है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए करने वाला है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हम लोग कहाँ पे देखे थे, होस्ट स्पेसिफिक में, प्लांट वायरस में हम लोग देखे थे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, राइट। तो जो भी प्लांट रिलेटेड डिजीज यहाँ पे कॉज कर रहा है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या तो फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ये तो नहीं करने वाला है ना। तो ऐसे टाइप के दे देते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला क्या है और होस्ट इसका होस्ट कौन से वायरस का क्या होता है और क्या कैसे टाइप के डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, एवरीथिंग। नाउ अब आप आते हैं वायरॉइड्स में। वायरॉइड्स में अगर हम लोग देखते हैं तो इन 1971 T.O. Diener discovered new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be a फ्री आरएनए, इट लैक्ड द प्रोटीन कोट, मतलब यहाँ पे प्रोटीन नहीं रहता है, प्रोटीन कोट नहीं रहता है। टू इज फाउंड इन वायरसेस, तो ऑब्वियसली अगर प्रोटीन कोट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा, स्मॉलर होगा ना, स्मॉल होगा देन वायरसेस, राइट। तो स्मॉलर देन द वायरसेस ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके साथ साथ ये एक फ्री आरएनए है क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सपोज रहता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कोट एबसेंट है, ठीक है, प्रोटीन कोट एब्सेंट है। हेंस द नेम इज वायरॉइड। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्वियसली अगर पूरा सिस्टम को अगर हम लोग देखते हैं तो कोई कोटिंग नहीं है तो एक बहुत बड़ा एक सब यूनिट वहाँ से चला गया, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक जो मतलब मॉलिक्यूलर वेट जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कॉज कर सकता था वो वेट तो वहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है, साइज़ भी उसका छोटा है, दैट्स इट। Prions in modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है क्या नहीं होती है हम लोग अभी बायोमॉलिक्यूल्स के जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन एक चैप्टर है तो इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। The agent was similar in size to viruses. These agents were called prions. Now, ये इसका जो साइज है this is similar, okay? और ये क्या था, ये smaller था, this is similar. Prions is similar और virus क्या था, smaller था. Now, these agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy. BSE, commonly called as mad cow disease in cattle, and its analogous variant is CR-Jakob disease in humans. तो जो mad cow disease होती है cattle को उसी का ही एक analog version होता है CR-Jakob, that is CJD, वो human में होते हैं। अब हम लोग आते हैं लाइकेन। लाइकेन इज नॉट रिलेटेड टू वायरसेस, ठीक है, ये एक अलग सेगमेंट है, यहाँ पे एक सेम पैसेज के जैसे लिख दिया गया है बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। लाइकेन क्या होता है, दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली दिस इज लिविंग पैरासाइटिक जैसे होते हैं कि पैरासाइट ठीक नहीं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ये पैरासाइट जैसे क्या करता है, लिविंग होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है लेकिन इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको हेल्प नहीं करता है, ठीक है, ये खुद का ही मतलब खुद बेनिफिट होता है लेकिन दूसरों के लिए कुछ हेल्पफुल नहीं होता है, मतलब ये नॉट हेल्पफुल, हेल्प नहीं करता है, क्या हुआ, अच्छा हेल्प नहीं करता है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या हो रहा है यहाँ पे पैरासाइट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट। और यही लिविंग जब हेल्प कर रहा है, ठीक है, म्यूचुअल एक रेस्पेक्ट वहाँ पे दे रहा है कि हाँ तुम मुझे हेल्प कर रही हो तो ठीक है फाइन, मैं भी तुमको हेल्प कर रहा हूँ, तो एक साथ म्यूचुअली एक रिलेशन मेंटेन करेंगे, अच्छे से रहेंगे, कोई मारामारी नहीं करेंगे। तो तब आ जा रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायट्स बोलते हैं, ओके। तो जब म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग रह रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं सिम्बायोटिक, और जब सिर्फ ये खुद कुछ नहीं कर रहा है बस दूसरों का ही चीज़ खराब कर रहा है तब ये हो जा रहा है पैरासाइटिक। ये लाइकेंस जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है इनकी। दे आर म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। The algal component is known as phycobiont and fungal component is known as mycobiont. तो जो mycobiont है वो क्या है, fungal component, और जो phycobiont है वो है algal component, which are autotrophic and heterotrophic. तो देखो हम लोगों को पता है कि algae क्या करेगा, photosynthesis करेगा, right? फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस अगर करेगा तो ऑटोमेटिकली दिस इज ऑटोट्रॉफिक ही होगा, दिस विल बी ऑटोट्रॉफिक। और जो फंजाई है वो तो उसका तो मतलब जो स्पेशलिटी है वही है हेट्रोट्रॉफिक, तो हेट्रोट्रॉफिक होगा तो ऑटोमेटिकली वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हेट्रोट्रॉफिक। तो यहीं से पता चल रहा है कि एल्गी इसको खाना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन दे रहा है। अब देखते हैं फंजाई इसके लिए म्यूचुअली जो रेस्पेक्ट शो कर रहा है वहाँ पे उसका मतलब जो एक्टिविटी है वो क्या है, ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, एल्गी के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स ला के देता है कि हाँ ठीक है मैं जुगाड़ कर देता हूँ, खाना तुम पकाओ, ठीक है, मैं ऐसे मार्केट में जाके सब्जी वगैरह ला के देती हूँ लेकिन खाना तुम पकाओ। वाटर फॉर इट्स पार्टनर, तो ये एल्गी बेसिकली खाना पकाता है और फंजाई क्या कर रहा है उस खाना पकाने के लिए जो जो भी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को पूरा करता है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. They are basically SO2 indicator. SO2 pollution indicator. क्योंकि और ये जो polluted areas है ना ये basically caused by air pollution. एयर पोल्यूशन को वो सहन नहीं कर पाता है। मैं एक इसमें बोल दे रही हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग देखे थे माइकोबायंट इज फंजाई, ठीक है, और फाइकोबायंट जो है वो है एल्गी, ठीक है। फंजाई क्या करता है, ये फंजाई बेसिकली हेट्रोट्रॉफिक है और ये है ऑटोट्रॉफिक एंड इट मेक्स द फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो माइकोबायंट है दिस माइकोबायंट इज बेसिकली डोमिनेंट, ठीक है, ये माइकोबायंट क्या होता है दिस इज डोमिनेंट इन नेचर। डोमिनेंट इन नेचर मतलब ये काइंड ऑफ हम लोग फैमिली में जैसे देखते हैं वो वैसा ही टाइप का है कि ये खाना पका रही है और ये खाना बनाने के सामान लेके दे रहा है और डोमिनेंट ये कर रहा है, ठीक है। ये खुद मतलब खुद को सस्टेन कर पाएगी लेकिन इसको जुगाड़ करना नहीं आता है, मतलब जैसे कि मिनरल लाना, वाटर लाना, ये सब बाहर का काम उसको नहीं आता है, ये अच्छे से चुपचाप खाना बनाती है, ये ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। और ये जो जुगाड़ करके दे रहा है कि हाँ मार्केट में जाके चीज़ें ला के दे रहा है कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारे लिए मिनरल ला के दिया हूँ, वाटर ला के दिया हूँ, तो ये डोमिनेंट नेचर में आ गया। और जो फंजाई यहाँ पे है ये फंजाई बेसिकली किस टाइप का होता है, दिस फंजाई इज बेसिकली ऑफ एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। इट इज़ इट इज़ मोस्टली एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज, और कभी कभी समटाइम्स इट इज बेसिडियोमाइसिटीज, ओके। और इसके साथ साथ हम लोग क्या देखे हैं कि एल्गी कहीं पे भी बॉन्ड होता है, सॉरी लाइकेन कहीं पे भी बॉन्ड हो सकता है, मतलब ये स्वैम्पी डैम्प एरिया में ये अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। और इसके पास एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत ही ज़्यादा, वो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी ये सर्वाइव कर लेता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में नहीं कर पाता है, लेकिन ये सहन जो नहीं कर पाता है वो है एयर पोल्यूशन। अदरवाइज इट कैन सर्वाइव इन द हार्श एरियाज ऑल्सो, लेकिन ये एयर पोल्यूशन से सर्वाइव नहीं कर पाता है ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज SO2 pollution indicator, तो कहीं पे अगर SO2 पोल्यूशन हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे लाइकेन का कोई भी चिन्ह हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाइकेन के बारे में। और मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकेन्स और वायरस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये नॉन लिविंग और लिविंग फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। और इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो सी दिस, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद आप बना लेना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लाइकेन के बारे में कुछ चीज़ लिखा था। ओके, तो ये आप खुद के एनसीईआरटी में आसपास छोटे छोटे जगह से लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है, पूरा। और अगर आपको कोई भी इशू है फॉर दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने ये 4 पार्ट में कवर किया है। और अगर आपको कहीं पे भी किसी पे भी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है समझने के लिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी वाया टेलीग्राम चैनल, या तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेल रहेगा। और प्लीज़ टेल मी whether you are liking the video or not। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बने रहिए, क्योंकि नीट के पहले मैं ये पूरा ख़त्म करने वाली हूँ। और धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी चलेगी। तो डोंट वरी, वी विल डू इट। ठीक है, तो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।